जिसके अंतर्गत एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा सीएपीएफ के सभी एम्प्लॉय और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी देने का प्रोविजन है। आयुष्मान सीएपीएफ के अंतर्गत मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बीआईएस या जिसे ईकेवाईसी भी कहते हैं करवाना होता है। अभी तक बीआईएस करवाने के लिए आपको किसी भी आयुष्मान सीएपीएफ एंड पैनल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज और डिपेंडेंट्स को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसी असुविधा को दूर करने के लिए सीआरपीएफ हेडक्वार्टर द्वारा एनएचए से सभी बटालियन को एनएचए की बीआईएस लॉगिन आईडी देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसको एनएचए ने मानते हुए ऑलमोस्ट सभी बटालियन के लिए लॉगिन आईडी एलोकेट कर दिया गया है। अब आप बीआईएस के लिए अपने यूनिट में ही संपर्क कर सकते हैं और बीआईएस को अपने यूनिट में ही करवा सकते हैं। अब आपको बीआईएस करवाने के लिए किसी भी एनपैनल हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बीआईएस या ईकेवाईसी अपने बटालियन हेडक्वार्टर में अपनी डिटेल्स देके करवा सकते हैं। अब हम इस वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू बीआईएस प्रोसेस आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करेंगे। बीआईएस करने के लिए सबसे पहले आप एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिव वाला कंप्यूटर सिस्टम लें और उसमें bis.pmj.gov.in वेबसाइट पे जाएं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, जिसमें कि मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के लिए आपसे सिस्टम बोलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना होगा और ये चेकबॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी करना होगा। ये करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक अलर्ट स्क्रीन आएगी, इसमें आप आई कन्फर्म करेंगे और बीआईएस स्टैंडर्ड एडवाइजरी मैसेज को ओके करके इस वेबसाइट में एंटर करेंगे। इस वेबसाइट में आपको डिटेल्स नज़र आएगी कि ये आईडी किसके नाम पे है, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें आपको बीआईएस करने के लिए सर्च बेनिफिशियरी में जाना है। सर्च बेनिफिशियरी में जाके आपके सामने स्कीम का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको सीएपीएफ चूज करना है। सीएपीएफ चूज करने के बाद आपको फोर्स आईडी या आयुष्मान सीएपीएफ आईडी दोनों में से कुछ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको पता है, गाइडलाइंस के मुताबिक आयुष्मान सीएपीएफ के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए आपका आयुष्मान कार्ड अनिवार्य नहीं है। आप बिना आयुष्मान कार्ड के अपनी फोर्स आईडी द्वारा भी अपना बीआईएस करवा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से ले सकते हैं। तो इस डेमोंस्ट्रेशन में हम फोर्स आईडी द्वारा ही बीआईएस प्रोसेस को करने के डेमोंस्ट्रेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फर्दर इसमें आप सब स्कीम में जो फोर्स है वो चूज करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल का फोर्स नंबर एंटर करेंगे। पूरी डिटेल्स भरने के बाद आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च बटन दबाने के बाद आप देखेंगे इंडिविजुअल और उसके सभी डिपेंडेंट्स की डिटेल्स, जो कि इंडिविजुअल ने अपने पीआईएस में सबमिट की थी, वो यहाँ पर शो कर रही है। सो जिसका आपको पीआईएस करना है उसके सामने आप यहाँ पर कलेक्ट केवाईसी का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आएगी, जिसमें कि इंडिविजुअल का डिटेल्स जैसे कि मेंबर आईडी, फैमिली आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। पीआईएस आप
दो तरीके से कर सकते हैं, आधार बेस और नॉन आधार बेस। BIS कराने के दो तरीके हैं, आधार बेस और नॉन आधार बेस। हमारा सजेशन आपको यही है कि आप हमेशा आधार बेस BIS को ही ऑप्ट करें। आधार बेस BIS कराने का बेनिफिट ये है कि आपका कार्ड जो है बहुत जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। आधार बेस BIS में NHA आपके डाटा को आधार UIDAI से मैच करता है, और मैच होने हो जाने के बाद आपके कार्ड को तुरंत ही एक्टिवेट कर देता है। नॉन आधार बेस BIS कराने का ड्रॉबैक यह है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने BIS के लिए दिया है उसमें और जो NHA के डाटाबेस में फोर्स द्वारा डाटा भेजा गया है उसमें कोई मिसमैच होता है तो NHA उसको L1 पे डिसअप्रूव कर देता है और उसको फोर्स की ID जो कि L2 भी कहते हैं उस पे अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर देता है। इसीलिए नॉन आधार बेस BIS करवाने का समय आधार बेस BIS करवाने के समय से ज़्यादा है। अब हम आपको आधार बेस BIS का एक डेमो प्रेजेंट करेंगे। इसमें आप आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कंसेंट का एक मैसेज आएगा, उस पर आप यस पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको जो आपका आधार में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा और आपके मोबाइल नंबर पे आधार द्वारा एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना होगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप का एक ऑप्शन आएगा, इसको एक मोड चूज करना होगा। हम यहाँ पर आधार OTP बेस मोड चूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर के आगे जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। तो ये आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसमें आपको ओके करके आधार पे अपना OTP चेक करना होगा। जो भी OTP आपके आधार बेस मोबाइल पे आएगा उसको दोबारा आपको एंटर करना होगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना होगा। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आप देखेंगे OTP इज वैलिड और आपको ओके क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सामने इंडिविजुअल की जो आधार UIDAI से डिटेल उठ के आ जाएंगी, जिसमें उसका इंडिविजुअल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और एड्रेस होगा। यहाँ पर आप देखेंगे रिलेशन नेम में आप देखेंगे आपको एक सेलेक्ट करना होगा फादर ऑफ शिव कुमार। फादर नेम जो है शिव कुमार है इनका, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको रूरल अर्बन इनमें से जो भी आपका एरिया पड़ता है उसको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि इस केस में रूरल है। ये करने के बाद आप देखेंगे फर्दर डिटेल खुल जाएंगी और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इस स्क्रीन में आपको इस फैमिली डिटेल्स में से एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो इसमें हम फोर्स आईडी चूज करते हैं। फोर्स आईडी में आपको इंडिविजुअल का जो फोर्स नंबर है वो डालना होगा। फोर्स नंबर डालने के बाद आपको चेक डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको इंडिविजुअल का किसी एक का नाम एंटर करना होगा, जैसे कि इसमें हमने देखा था इनके फादर का नाम शिव कुमार था, तो आप शिव कुमार एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर आप इंडिविजुअल का आई कार्ड अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर आप प्रीव्यू बटन भी देख सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल का डाटा है उसको आप चेक कर लीजिए कि वो डाटा सही है कि नहीं है, एज पर PIS है कि नहीं है। उसके बाद अगर कुछ इसमें चेंज है तो आप और जिस केस में सही है वहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए
अब यहाँ पर एक आपको मैसेज आएगा, द बेनिफिशियरी डाटा विल बी सेव एज पर द सेलेक्टेड स्कीम सीएपीएफ, प्लीज कंफर्म। इसको आप ओके कर दीजिए और डाटा सेव एंड फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल। तो अभी इन इंडिविजुअल का हमने आधार बेस बीआईएस कर दिया है और इनका डाटा L1 में अप्रूवल के लिए चला गया है। क्योंकि ये आधार बेस बीआईएस था तो इनका मोस्ट प्रोबेबली L1 पे ही अप्रूव हो जाएगा और इनका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम नॉन आधार बेस बीआईएस देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले आपको बेनिफिशरी सर्च बेनिफिशरी में जाना है, सीएपीएफ चूज करना है, पैरामीटर्स में सेम फोर्स आईडी, आपको फोर्स आईडी यहाँ पर एंटर करना है। फोर्स आईडी एंटर करने के बाद आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आप देखेंगे डिपेंडेंट्स और इंडिविजुअल के यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ गई है। तो अभी हमें इन इंडिविजुअल का PIS और KYC करना है। सेम हमने KYC पे क्लिक किया, आप देखेंगे सेम इंडिविजुअल का डिटेल आ गया। तो अभी हम यहाँ पर एक नॉन आधार बेस BIS का डेमो देंगे। आपको नॉन बेस BIS को क्लिक करना है, आप देखेंगे नॉन आधार कंसेंट पे आपको बोलेगा, आपको एग्री करना है, आगे प्रोसीड करना है और एक आपको एक मैसेज आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप नॉन आधार बेस BIS कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। अगर आपको आधार कार्ड आपके पास है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार बेस BIS पे जाइए। इन केस किसी भी कारण से आधार कार्ड नहीं है तभी आप नॉन आधार पे BIS कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आप मोबाइल नंबर नियर फ्यूचर में चेंज ना करें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपके सभी तरह के अपडेट्स, OTP, आयुष्मान CAPF से रिलेटेड फीचर में आएंगे। अगर आपको रिइंबर्समेंट करना है, आपको कोई अपना मेडिकल बिल क्लेम करना है, उसके लिए आपको NHK प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना होगा, उसके लिए OTP आएगा, वो भी आपका सेम इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपको ये मोबाइल नंबर अपने पास रखना है और वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके पास नियर फ्यूचर में रहेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट टाइप में सेल्फ कर लेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर आपको कोई भी एक अपनी ID चूज़ करनी है जो कि आपको अपलोड भी करनी होगी। तो यहाँ पर अभी हम इंडिविजुअल की जो एम्प्लॉई आई कार्ड है वो हम यहाँ पर एंटर कर हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल का फोर्स नंबर डालेंगे। फोर्स नंबर डालने के बाद इंडिविजुअल का हम आई कार्ड अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और फील्ड्स हैं जो कि हमें भरनी है, जैसे इंडिविजुअल का नाम है। अब यहाँ पर हमें फादर, मदर, स्पाउस किसी का भी एक नाम आप इंडिविजुअल का एंटर करना होगा। तो इस केस में हम इंडिविजुअल का फादर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आप सेम एच CAPF डाटाबेस भी एंटर कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरा एड्रेस एंटर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये डाटा, ये वाला एड्रेस वही है जो आपके PIS में एंटर है, जो कि PIS से IT विंग द्वारा NHA के डाटाबेस में हमने भेजा है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर एक कोई भी फैमिली ID सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इंडिविजुअल का फोर्स ID सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल का फोर्स नंबर एंटर करेंगे। फोर्स आईडी एंटर करने के बाद चेक डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल का आई कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे। बैक ऑप्शन भी आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के फैमिली मेंबर के हम डिटेल एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इनके फादर का नाम ही एंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट फैमिली डिटेल्स कर देंगे। आप देखेंगे प्रीव्यू डिटेल आएगा, इसमें आप इंडिविजुअल का जो डाटा है वो एक बार चेक कर लेंगे और अगर डाटा सही है तो फाइनली सबमिट कर देंगे, नहीं तो आपके पास एडिट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। आप देखेंगे फिर वही मैसेज आया यहाँ पर,
द बेनिफिशियरी डाटा विल बी सेव एज पर द सेलेक्टेड इन सीएपीएफ। इसको हम कंफर्म कर देंगे और देखेंगे, एक और मैसेज आया, डाटा सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल। अब ये यहाँ से L1 के पास चला गया है। अब L1 यानी कि NHA उसको मैच करेगा, अगर उनके अकॉर्डिंग डाटा में कोई मिसमैच नहीं है तो उसको अप्रूव कर देगा। अगर उनको कुछ डाटा में मिसमैच नज़र आता है तो उसको L2 पे फॉरवर्ड कर देगा, L2 यानी फोर्स की IDs पे, जो कि सभी यूनिट लेवल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। तो अभी आपको ये BIS करने के 4-5 घंटे बाद वेट करना होगा, और उसके बाद आपका डाटा अगर L1 यानी NHA पे रिजेक्ट कर दिया होगा तो वो L2 पे शो करेगा, और L2 में जाके आपको अपना जो रिकॉर्ड है वो अप्रूव करना होगा। उसके बाद आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आप एज पर NHA गाइडलाइंस के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे एक अप्रूव बेनिफिशरी है, इसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलर डेट, आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो डाल देंगे, उस डेट से उस डेट के बीच में आपने कितने कार्ड का BIS किया है सबमिट करने पे, वो आपको डाटा शो कर देगा जो कि अप्रूव हो चुके हैं। सेम आप देखेंगे पेंडिंग बेनिफिशरीज, पेंडिंग बेनिफिशरीज में आप वही सेम कोई पीरियड चूज कर लेंगे फ्रॉम डेट टू टू डेट, और आपने कितने का BIS कर दिया है लेकिन वो पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, वो यहाँ पर आपको लिस्ट शो कर देगा। और एक है रिजेक्टेड बेनिफिशरी, रिजेक्टेड बेनिफिशरी में आपको वो केसेस नज़र आएंगे जिसमें कि जो कि आपके रिजेक्ट कर दिए गए हैं L1 और L2 द्वारा। अगर आपका कोई L1 L2 पे कोई रिजेक्ट करता है तो उसका रीजन यही हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं उसमें गलती है, इसीलिए उसको L1 और L2 पे गलत रिजेक्ट करा गया है। उस कंडीशन में आप अपने यूनिट हेडक्वार्टर में जाके अपना PIS अपडेट कराइए, PIS अपडेट कराने के बाद IT विंग में बताइए, और IT विंग डायरेक्टरेट द्वारा उसको फिर NHA में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद दोबारा से अपना BIS प्रोसेस कराइए, और उसके बाद आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आप अपना मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें है, आप देखेंगे प्रिंट गोल्ड कार्ड। बहुत सारे लोगों को अभी कार्ड इशू नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों को इशू हुआ है। आपको जैसे कि पता है कि आयुष्मान CAPF के अंदर ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुष्मान कार्ड कंपलसरी नहीं है, आप बिना आयुष्मान कार्ड के भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना केवल फोर्स नंबर बताना होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड इशू नहीं हुआ है वो लोग अपना या अपने डिपेंडेंट का किसी का भी आयुष्मान कार्ड यहाँ से ई कार्ड के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट करवा के रख सकते हैं या अपने डिपेंडेंट को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप स्कीम चूज करिए, सब स्कीम में आप जो फोर्स है वो चूज करिए, उसके बाद आयुष्मान CAPF ID, फैमिली ID, मोबाइल नंबर, इन तीन ऑप्शंस में से आप एंटर करके अपना जो कार्ड है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर आप कोई भी मोबाइल नंबर जिसका आपको ई कार्ड प्रिंट करना है वो आप मोबाइल नंबर एंटर करिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सर्च दबाएंगे, आप देखेंगे जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले आधार बेस BIS किया था उनका कार्ड एक्टिव भी हो चुका है। तो उसमें आपको दो ऑप्शन है, प्रिंट कार्ड और प्रिंट PVC कार्ड। प्रिंट कार्ड में आप अगर करेंगे तो आपका जो कार्ड ऐसे इस फॉर्म में थोड़ा लो क्वालिटी में आपको फाइल मिलेगी, इसको भी आप प्रिंट करवा के रख सकते हैं। प्रिंट PVC कार्ड में आप देखेंगे जो आपके कार्ड की क्वालिटी होगी ई कार्ड की वो अच्छी होगी, तो आप इसको भी डाउनलोड करके अपने पास सॉफ्ट में भी रख सकते हैं या फिर प्रिंट करवा के लैमिनेट करवा के आप अपने पास इसको रख सकते हैं।